हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू मांग की, यानी कि इसको बोलते हैं डिफिशियंट डिमांड। न्यू मांग क्या होता है और ये क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ न्यू मांग को आपको पता होना चाहिए कि न्यू मांग को डिफ्लेशनरी गैप यानी कि आवश्यकता अंतराल भी कहते हैं। तो दोनों को ध्यान से समझिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं न्यून मांग की। न्यून मांग किसे कहते हैं? न्यून मांग का मतलब होता है मांग में कमी होना, यानी कि पूर्ति की तुलना में। अब यहाँ पर ये समझते हैं, अर्थशास्त्र का टॉपिक है। यहाँ पर न्यून मांग का मतलब होता है जब हमारी कुल पूर्ति यानी कि समग्र पूर्ति, जिसको बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई, जब हमारा एग्रीगेट डिमांड यानी कि कुल मांग कुल पूर्ति से कम होता है, ऐसी स्थिति को न्यून मांग कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था की स्थिति और अर्थव्यवस्था में रूप, आपको पता होगा किसी भी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार, जिसको मैं पहले वीडियो में बताया था प्रभावी मांग, यानी कि ऐसे बिंदु पर प्रभावी मांग स्थापित होता है या फिर पूर्ण मांग स्थापित होता है जहाँ पर किसी भी देश का कुल मांग और उस देश की कुल पूर्ति आपस में इक्वल होता, बराबर होता है। यानी कि हम अगर कहें कि हम देखें कि ये जो है ये हमारा एएस है, यानी कि इसको कुल मांग कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई, और इस एग्रीगेट सप्लाई पे कुल मांग जो है इस बिंदु पर आता है यहां पर। तो जहां पर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है कहलाता है ई इक्विलिब्रियम, और इस बिंदु को कहते हैं यहां पर, ये वाला जो बिंदु है यानी कि एन, इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार स्तर, यानी कि जिस बिंदु पर एएस और एडी दोनों आपस में इक्वल होता है, इस बिंदु पर एडी इक्वल टू एएस, इस बिंदु को हम प्रभावी मांग का बिंदु कहते हैं या कहते हैं पूर्ण रोजगार का स्तर। लेकिन हम पढ़ रहे हैं न्यून मांग, एक ऐसा बिंदु जहां पर जो है कुल मांग यानी एडी एएस से कम होता है। ध्यान में रखिएगा कि यदि एक अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन स्तर यानी कि जहां पर ये संतुलन होना, ये नॉर्मल बिंदु है, ये जो है नॉर्मल है जहां पर संतुलन होना है, संतुलन स्तर पूर्ण रोजगार से पहले ही स्थापित हो जाए, यानी कि अगर हम कहें कि यहाँ पर जो है हमारा इस बिंदु ई पर रोजगार पूर्ण रोजगार की अवस्था होनी चाहिए, इस बिंदु पर संतुलन होना चाहिए, किंतु यहाँ पर ना हो के क्या होता है, संतुलन बिंदु इससे ठीक नीचे यानी कि यहां पर हो जाता है, ये जो पॉइंट है यानी कि एन वन, ये हो जाता है हमारा संतुलन बिंदु। तो यहां पर बीच में कितना गैप हो गया, ये जो गैप हो गया यहां पर, ये वाला पॉइंट, ये जो गैप होगा इस बिंदु का हम कहेंगे न्यून मांग, क्योंकि यहां पर एडी जो है नॉर्मल बिंदु से कहां आ रहा है, कम हो रहा है, और संतुलन जो है यहां पर के बिंदु पर हो रहा है, यहां पर के पर है हमारा एडी, जहां पर एडी कम है किससे, एएस से, इतना होना चाहिए इतना हो रहा है। तो जहां पर जिस बिंदु पर हमारा मांग कुल मांग और कुल पूर्ति बराबर होना चाहिए था, उस बिंदु पर अगर कुल पूर्ति से कुल मांग कम रह जाता है, तो जितना कम होता है उसे हम न्यून मांग की अवस्था कहते हैं। प्रोफेसर केस ने इसको अपूर्ण रोजगार की अवस्था कहा, यानी कि अगर पूर्ण रोजगार से पहले ही हम हो जाते, ये है अपूर्ण रोजगार की अवस्था, यानी कि यहां पर रोजगार पूर्ण नहीं होगा, ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी क्यों उत्पन्न होगी। अब ध्यान में रखिएगा, अर्थव्यवस्था में जो जितने भी उत्पादक होते हैं पूरे देश के मिला के, वो लोग जो है उत्पादक करके वस्तु की पूर्ति करते हैं, ये सोच के कि इन वस्तुओं की मांग होगी। अगर अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति है उसकी तुलना में उसकी उतनी मांग नहीं हुई, तो वस्तुओं की पूर्ति जितनी खाली है वो ऐसी पड़ा रहेगा, ऐसे में उनका उत्पादन स्तर वो कम कर देंगे, और जब उत्पादन स्तर कम कर देंगे और मांग नहीं होगा, तो लोगों को जो है रोजगार भी नहीं मिलेगा,
ऐसी स्थिति में जो लोग काम करना चाहते हैं इच्छुक है उनको काम नहीं मिलता है तथा अनैच्छिक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण ही रोजगार का संतुलन नहीं हो पाता है और इसी कारण से इसे अपूर्ण रोजगार की स्थिति भी कहा जाता है। प्रोफेसर किन्स ने कहा है कि न्यूनमान वह दशा है जहां पर अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग अर्थात एडी पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति की एएस से कम होता है। यूं कहें प्रोफेसर किन्स के अनुसार एक ऐसी स्थिति जहां पर एडी कम होता है एएस से, यानी कि सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति से कम होता है, उस स्थिति को न्यून मांग की स्थिति कहते हैं। थोड़ा सा और हमारा अच्छे से समझें कि न्यून मांग बराबर होता है एएस माइनस एडी, यानी कि कुल पूर्ति से कुल मांग जितना कम होता है उतनी कम मात्रा को न्यून मांग कहते हैं। अगर हम ग्राफ में समझें, ग्राफ में जो है न्यून मांग क्या आ रहा है, ग्राफ में न्यून मांग की स्थिति है EN जो नॉर्मल होना चाहिए माइनस KN जो इस टाइम है, तो इन सॉरी FN जो इस टाइम है, तो EN और FN के बीच का जो अंतर रह जाता है वो अंतर क्या हो जाता है EF, यानी कि न्यून मांग क्या है EF की स्थिति है, ये जो बिंदु है इसको हम न्यून मांग कहते हैं और न्यून मांग को ही अविस्फीतिक अंतराल कहा जाता है। अविस्फीतिक अंतराल का मतलब क्या होता है, अविस्फीतिक अंतराल डिफ्लेशनरी गैप, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर रोजगार के लिए जितनी आवश्यक सामूहिक पूर्ति की आवश्यकता होती है उसकी तुलना में उसकी आवश्यक सामूहिक मांग कम होती है, तो सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग के अंतर को अविस्फीतिक अंतराल के नाम से जाना जाता है। और न्यून मांग और अविस्फीतिक अंतराल दोनों ही समान होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसे में अविस्फीतिक अंतराल हमेशा न्यून मांग को इंगित करता है, अविस्फीतिक अंतराल न्यून मांग की मात्रा को बताता है। तो हम ये कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में न्यून मांग जितना ज्यादा होता है उस देश की अविस्फीतिक अंतराल भी उतनी ज्यादा होती है। ऐसे में देश में जो है चीजों के दाम घटते हैं, उत्पादन कम होता है, फलस्वरूप देश में बेरोजगारी की स्थिति बढ़ जाती है और यह स्थिति किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि उत्पादन कम हो गया तो लोगों की आय में कमी होगी, लोगों की आय में कमी होगी तो धीरे धीरे जो अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती है। अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था में जो है न्यून मांग की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, आखिर कौन कौन से कारण है जिस कारण से अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि न्यून मांग उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से कारण है जिस कारण से न्यून मांग की उत्पत्ति होती है। सबसे पहला कारण है बैंक दर में वृद्धि होने से, अगर आरबीआई के द्वारा अपने बैंक दर को बढ़ा दिया जाता है, आरबीआई के द्वारा बैंक दर को बढ़ाने की स्थिति में लोग बैंक द्वारा जो व्यावसायिक बैंक द्वारा है उनके द्वारा भी उनके ब्याज दर को बढ़ाया जाएगा। जब ब्याज दर को बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसे में जो निवेश मांग है, निवेश मतलब उपभोक्ता जो उत्पादों के द्वारा निवेश करने के लिए जो बैंकों से कर्जा लेना होता है, क्योंकि कर्ज की दर बढ़ जाता है और ब्याज की दर बढ़ेगा तो लोग कर्जा कम लेंगे, जिससे निवेश मांग में कमी होगी। जब अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं होगा तो उत्पादन में भी कमी हो जाती है और ऐसी स्थिति में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नंबर टू हम कहें करों में वृद्धि। अगर सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ा दिया जाता है तो सरकार के द्वारा टैक्स बढ़ाने से होता क्या है कि जो लोगों का जो व्यय योग्य आय यानी कि व्यक्तिगत आय जो है उसकी मात्रा में कमी हो जाती है। जबकि अगर खर्च करने के लिए इतने पैसे होने चाहिए तो खर्च करने के लिए उतने पैसे ना उसकी मात्रा में कमी हो जाए तो ऐसे लोग मांग करना कम कर देते हैं, तो जिससे न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, सार्वजनिक व्यय में कमी।
सरकार के द्वारा देश के हित में, देश के विकास में अगर सार्वजनिक व्यय की मात्रा में कटौती की जाती है, कमी की जाती है, ऐसे में कुल मांग न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सार्वजनिक व्यय करने से जो है अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, विकास कार्य होती है, विकास कार्य होने से उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन होने से लोगों को रोजगार मिलता है, उनको आय मिलता है और आय बढ़ने से वो लोग मांग अधिक करते हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक व्यय ही नहीं होगा तो ये पूरी प्रक्रिया ठप हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे लोगों की मांग जो है कम हो जाती है। मांग कम हो गया तो न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है बचत प्रवृत्ति में वृद्धि। अगर लोगों का ध्यान बचत में अधिक गया, अगर लोग जो है लोगों में देश में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हो गई, लोग बचत करने पर आ गए, तो बचत करेंगे तो निवेश में कमी हो जाती है। जैसे ही निवेश में कमी होगी तो मांग में भी कमी होती चली जाती है। यानी कि बचत प्रवृत्ति, लोगों की जो बचत प्रवृत्ति होती है, देश की बचत प्रवृत्ति होती है, उसमें अगर वृद्धि होती है तो ऐसे में भी न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट निर्यात मांग में कमी। अगर देश में निर्यात की मात्रा में कमी हो जाती है, निर्यात करने वाली वस्तुओं की मांग में कमी होती है, तो भी न्यून मांग हो जाता है, क्योंकि देश विदेशों को सामान जो बेचा जाता है वो उस विदेशों को जाने वाला मांग, उस जो मांग में कमी आती है, ऐसे में प्रोटेक्शन कम हो जाता है। प्रोटेक्शन कम होने से वही प्रोसेस आती है कि लोगों को उत्पादन नहीं होगा तो लोगों को काम पे नहीं रखा जाएगा और बेरोजगार की स्थिति हो जाती है, जिसके कारण न्यून मांग की स्थिति भी आ जाती है। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसके कारण न्यून मांग की स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो सकती है। और ध्यान में ये रखना है कि न्यून मांग की स्थिति यानी कि अवस्फीति का अंतराल किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। देश की अर्थव्यवस्था में न्यून मांग को कंट्रोल में रखना या फिर एक नियंत्रण स्थिति में रखना देश की अर्थव्यवस्था के लिए हितकारी होता है। थैंक यू।